इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला दे सकता है, लिहाजा सुरक्षा कारणों के लिहाज से इस मीटिंग को अहम कहा जा सकता है। यूपी के डीजीपी और साथ ही साथ यूपी के चीफ सेक्रेटरी दोनों को ही तलब किया है और मुलाकात यहां पर की जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए महेश गुप्ता हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश गुप्ता, आने वाले दिन बेहद अहम है, बहुत संजीदा भी कहे जा सकते हैं, और ऐसे में डीजीपी से मुलाकात, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात यही और इशारा कर रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी लिहाज से मीटिंग। देखिए, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है और नेक्स्ट वीक में सोमवार और मंगलवार को जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अवकाश है श्री गुरु नानक देव जयंती जी के अवसर पर, और 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे सर। तो 17 नवंबर का यानी कि रविवार है, उससे पहले शनिवार है, 16 का। तो कहने का मायने ये है कि 13, 14, 15 नवंबर तीन दिन जो है अगले हफ्ते सुनवाई के बचते हैं, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा अयोध्या पे। और ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि अयोध्या बड़ा संवेदनशील मामला है, दो समुदायों के बीच पहले भी तकरार होती रही है और आगे भी संभावना है, और जो है खुफिया एजेंसीज के इनपुट्स होते हैं वो भी थोड़े ठीक नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है काफी जो है सुरक्षा तंत्र पहले से तैनात किया जा रहा है। तो उसी के लिए एक बार चर्चा के लिए भी चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया है, डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को, ताकि उनसे चर्चा हो जाए कि भाई फलां दिन ये जजमेंट आ रही है और आप उसकी तैयारी करते रहते हैं। ठीक है महेश, खबर ये भी है कि आज दोपहर में सीजीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। देखिए, आज जो है करीब हम 12 या 12:30 बजे करीब मान सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस 10:30 बजे कोर्ट लगेगी, तो घंटे भर के अंदर अपने मामलों को निपटा देंगे वो। तो उसके बाद फिर वो जो है यूपी के जो आला अधिकारी उन्होंने बुलाए हुए हैं कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, उनसे चर्चा करेंगे और उनको अपना बता भी देंगे वो इंटरनल लेवल पर किस किस दिन जो है जजमेंट सुनाने की तैयारी है, और आप जो है अपना राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को जो है चाक चौबंद कर दें। ठीक है महेश, एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है कि ये जो मामला है ये एक जमीन के ऊपर मालिकाना हक को लेकर ये मामला है, और इस बात को खुद सुप्रीम कोर्ट भी वाजे कर चुका है, बता चुका है, लेकिन लोगों के अंदर जो एक बात है उनको लगता है कि मामला अकीदत का है, और कहीं ना कहीं अकीदत से जोड़कर, श्रद्धा से जोड़कर इस मामले को देखा जाता है, जो कि गलत है एक तरह से। देखिए, आप गलत और सही किसी को नहीं कह सकते हैं, जो आस्था होती है उसको भी हमारे संविधान का कानून है पूरी वजह से, कहीं कहीं कोई अगर कोई धार्मिक स्थल कोई बना हुआ है वहाँ पे किसी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पहले साफ कर चुका है कि जो मामला है ये जमीन का है, इसको आस्था से जोड़कर ना देखा जाए। नहीं, आस्था से ऐसा नहीं है, शुरुआत में जो चर्चा हुई थी उसमें बात था, लेकिन कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है उसमें पूरे को आस्था को लेकर भी हुई है, और आस्था को लेकर हिंदू पक्ष ने काफी ज्यादा इस पर चर्चा इसी बात को लेकर की, उन्होंने कई मंदिरों का भी जिक्र किया था, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन मंदिरों में कहीं पर भी जो है वो कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ जाते हैं और पूजा करते हैं। ये चर्चा भी सुप्रीम कोर्ट में काफी हुई थी, अब देखते हैं फैसला क्या आता है। ठीक है महेश गुप्ता, और एक चीज ये भी है कि जैसा आपने कहा कि आस्था का भी कहीं ना कहीं एक इशू है, और ऐसे में आरएसएस के संघ के जो सरबरा हैं, जो चीफ हैं मोहन भागवत, और मौलाना मदनी की मुलाकात भी यही इशारा करती है कि लोगों के अंदर भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोगों का काम है, हम तो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट है, हम तो कानून की व्यवस्था की बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुनाता है उसके बाहर लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है महेश गुप्ता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, दोपहर 12 बजे या 1 बजे के करीब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, साथ ही साथ डीजीपी उत्तर प्रदेश के और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया है, और कानून व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। तो महाराष्ट्र का हुकूमत साजी को लेकर अब तक का रस्साकशी जो है वो अभी तक जारी है, इंतखाबी नतीजे आने के 2 हफ्ते के बाद भी रियासत में नई सरकार बनने के आसार दिखाई नहीं दे रहे, आज ये पता चल जाएगा कि रियासत में नई सरकार बन रही है या नहीं। गतिरोध बरकरार, अब तक नहीं बन सकी सरकार, शिवसेना का हट, बीजेपी अटल, सदर राज या जोड़ तोड़ से बनेगी सरकार। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की सभी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। आज रियासत में सरकार बनाने का आखिरी दिन है,
क्योंकि कल असेंबली का मुद्दतेकार खत्म हो जाएगा और उसके बाद रियासत में सदर राज नाफिज हो सकता है। जाहिर है ये घड़ी फैसले की है, ऐसे में बीजेपी ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। वहीं शिवसेना भी अपने मुतबादिल के साथ तैयार है। जुमेरात को बीजेपी के लीडरान ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनसे सियासी हालात पर चर्चा की। हालांकि उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। मैंने आपको क्या होगा वो बता दिया, पूरे 5 साल अब कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, शपथ कौन से मिनट में होगी, कितने लोगों की होगी, कुछ तो बाद में बताने की अगर रखो। आखिरी मौके तक बीजेपी ने शिवसेना की हिमायत की उम्मीद नहीं छोड़ी है। पार्टी को अब भी उम्मीद है कि आखिरी मौके पर शिवसेना तैयार हो जाएगी। जहाँ तक इसका निर्णय है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शिवसेना का सहयोग मिलेगा, उनसे बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से मांगे निकले। लेकिन शिवसेना अपने स्टैंड से बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। शिवसेना सीएम ओहदे से नीचे किसी चीज पर मानने को तैयार नहीं है। धर्म अधर्म की लड़ाई है, बाकी बीजेपी के सभी नेता सभी मंत्री सालों साल हम एक साथ काम करते हैं, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा। और जुमेरात को शिवसेना कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को फैसला लेने का हक दिया गया है। सभी विधायकों ने ये पूरे अधिकार जो है वो पक्ष प्रमुख के नाते उद्धव ठाकरे साहब को अंदर सरकार बनाने के जो भी निर्णय है वो उद्धव ठाकरे साहब उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। सरकार इतिहाद पर बने डेडलॉक के बीच शिवसेना ने अपने सभी अराकीन असेंबली को एक होटल में रखा है। शिवसेना को डर है कि कहीं उसके अराकीन असेंबली में टूट न पड़ जाए। सभी अराकीन असेंबली पर शिवसेना कायदत कड़ी निगरानी रखे हुए है। कल देर रात आदित्य ठाकरे अराकीन असेंबली से मुलाकात करने होटल पहुंचे। उनके साथ पार्टी के बड़े लीडर भी मौजूद रहे। दूसरी पार्टियों को भी यही डर सता रहा है कि कहीं उनके एमएलए पाला न बदल ले। तोड़ फोड़ की राजनीति को जनता ने जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र की जनता इस तरह की राजनीति स्वीकारेगी नहीं। जो लोग इस तरह की तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि जनता ऐसी राजनीति को स्वीकारेगी नहीं। सरकार के लिए फंसे पेच में गवर्नर भी फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भी रियासत में मौजूदा सियासी बहरान के मद्देनजर एडवोकेट जनरल से भी सलाह ली है। जराय के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि बीजेपी सीएम ओहदे को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, इसीलिए हिमायत नहीं जुटता देखकर हो सकता है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस आज इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और शिवसेना समेत रियासत की सभी बड़ी पार्टियों को अपने प्लान बी वाली हिकमत अमली पर काम करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में नई सरकार बनाने के लिए कुछ ही मुतबादिल बचे हुए हैं। अब अराकीन असेंबली के जोड़तोड़ की भी कोशिशें हो सकती हैं। इसको लेकर शिवसेना ज्यादा अलर्ट है। उसने अपने अराकीन को एक होटल में रखा है और शिवसेना के बड़े लीडर लगातार अपने अराकीन असेंबली से राबता बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। इत्तेहाद में गतिरोध बरकरार। सत्ता के समीकरण के लिए जोड़ तोड़ की दरकार। अब ऑप्शन के सहारे बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के इंतखाबात में वहां की आवाम ने तो अपने हिसाब से वाजे मैंडेट दिया था, लेकिन रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद भी वहां अब तक हुकूमत नहीं बन सकी है। इसके पीछे वजीर आला ओहदे की ख्वाहिश है। शिवसेना वजीर आला ओहदे से नीचे कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर वजीर आला का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है राज्य में उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। ऐसा पेच इसलिए फंसा है
क्योंकि इस बार 24 अक्टूबर को आए इंतखाबी नतीजे किसी एक पार्टी की हिमायत में नहीं है। इंतखाबी नतीजों के बाद बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन अकेले अक्सरियत के आदतों शुमार से दूर रह गई। अब शिवसेना के 56 एमएलए जुड़ जाते हैं तो बीजेपी शिवसेना की सरकार आसानी से बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। वहीं एनसीपी 54 सीटें और कांग्रेस 44 सीटों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में इख्तदार की चार तस्वीरें बनती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर है कि बीजेपी शिवसेना में इख्तलाफ दूर हो, जिससे कि दोनों पार्टियां मिलकर एक साथ सरकार बना लें। दोनों पार्टियों के पास मिलाकर साफ इख्तदार वाला नंबर है। ऐसे हालात के बारे में लगातार बीजेपी की जानिब से बयान दिया जा रहा है। तस्वीर नंबर दो, शिवसेना की जिद के आगे बीजेपी झुक जाए और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए हिमायत दे। ऐसे हालात में शिवसेना बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन सीएम शिवसेना का होगा। इस मुतबादिल की उम्मीद कम है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम ओहदे पर देवेंद्र फडणवीस ही बैठेंगे। हमने तो बार बार कहा है कि सरकार माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में बनेगी। ये गलत फहमी है कि हमारे संबंध में कुछ कटुता है। अभी भी शिवसेना के मंत्री और हम इतने साथ में, इतनी अच्छी अच्छे वातावरण में जब चर्चा होती है, इसका अर्थ क्या है? तस्वीर नंबर तीन ये है कि बीजेपी अकलियत की सरकार बनाए। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मधु किया जाए, बीजेपी को आजाद और छोटी पार्टियों की हिमायत मिल जाए और बाकी के आदतोशुमार दूसरी पार्टीज के एमएलए के गैर हाजिर रहने से पूरी हो जाए। इसके इम्कान भी कम है, क्योंकि इससे सीधे सीधे दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ के इल्जाम लगने लगेंगे। तस्वीर नंबर चार ये है कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए और कांग्रेस उन्हें बाहर से हिमायत दे। ये उम्मीद सच साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले शिवसेना को बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आइडियोलॉजी में इख्तलाफ की वजह से इन सरकार के भी ज्यादा दिन तक टिकने पर शक है। लेकिन इन सभी तस्वीरों के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में रियासत में सदर राज नाफिज होने का ऐलान हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधा लिए चलते हैं संजय राउत, शिवसेना लीडर क्या कुछ कह रहे हैं। सगळे आमदार एकत्र असावेत कोणत्या निर्णय घेताना, म्हणून त्या एकत्र ठेवलाय। दुसरा असा आहे की नवीन आमदार जे मुंबईत आले ग्रामीण भागातून, त्यांना अद्याप त्यांचं जे निवासस्थान असतं आमदारांचं ते मिळालेलं नाही, त्यांची राहायची व्यवस्था नाही, त्याच्यामुळे एकत्र राहतील। आमदारांचा पवित्रा घेतलेला आहे, काँग्रेसच्या आमदारांना पण वेगळ्या एका अज्ञातस्थळी नेण्याचा प्रयत्न चालू। याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या, याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या की महाराष्ट्रामध्ये पैसा आणि सत्ता या माध्यमातून कर्नाटक प्रमाणे घोडेबाजार होईल का अशी भीती जर वाटत असेल, तर ते आपल्या लोकशाहीचं, पंतप्रधानांचं जे पारदर्शक कारभाराचं स्वप्न आहे, स्वच्छ कारभाराचं, त्या स्वप्नाला दिलेलं महाराष्ट्रातलं आव्हान आहे। नवाब मलिक ने ट्वीट किया है और कहा है महाराष्ट्र दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा और बीजेपी की कोशिश है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ना। महाराष्ट्र कभी नहीं झुकेगा, ना झुक रहा है, आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे साहब का जो रवैया है स्वाभिमान का, अभिमान का और शिवसेना का, आपने देखा होगा ना शरद पवार साहब झुके ना उद्धव ठाकरे साहब झुकेंगे। न्याय और अधिकार की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई जारी रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयींची कविता मला ती फार आवडते। आम्ही रणांगणातून पळून जाणार नाही, आम्ही कोणापुढे लाचार होणार। तो शिवसेना के लीडर संजय राउत अपने वही तेवर के साथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झुकने के लिए तैयार नहीं है और शरद पवार का रुख का भी अभी इंतजार बाकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों प्याज की कीमतें जो आसमान पर हैं, दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में प्याज के भाव 80 रुपए के पार हो गए हैं। सरकार ने प्याज की किल्लत दूर करने के लिए बैरून मुल्कों से प्याज मंगाने की तैयारी की है। आवाम की आंखों में प्याज के आंसू, कीमत 80 बार, मुल्क में हाहाकार।
सियासत और प्याज का हमेशा से कनेक्शन रहा है। जब जब प्याज ने आवाम के आंसू निकाले हैं, तब तक आवाम ने भी सरकार के आंसू निकाले हैं। एक बार फिर प्याज आपकी थाली से दूर होती दिखाई दे रही है। मुल्क के बड़े शहरों में प्याज की कीमत 80 के पार हो चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मुल्क के बड़े शहरों में प्याज के दाम कहां तक है। दिल्ली में आपके पड़ोस की सब्जी की दुकान पर प्याज 80 से 90 रुपए फी किलो बिक रही है। मुंबई में यही कीमत 75 से 85 के बीच है, तो कोलकाता में 80 रुपए फी किलो प्याज बिक रही है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ कीमत 75 से 80 रुपए फी किलो है। कि जो प्याज है वो 110 रुपए किलो, यानी कि 100 रुपए से भी ज्यादा यहाँ पर प्याज जो है वो मिल रहा है। हम आपको इस दुकान के बगल में ही मदर डेयरी है, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है वो प्याज 23 रुपए 90 पैसे पर किलो का लगा है, लेकिन यहाँ पर प्याज नहीं है। प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है मौसम। नासिक और उसके आसपास के जिलों में प्याज की बंपर पैदावार होती है। इस बार मॉनसून देर से आने का असर हुआ है, और फिर दिवाली के वक्त जब नई फसल खेतों में तैयार हो गई तो नासिक में जबरदस्त बारिश हो गई, जिसके सबब खेत में प्याज सड़ गई। ऐसे प्याज के किसानों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 50 से 60 हजार रुपए लगाने वाले किसान ने जब मुनाफा कमाने की सोची, उसी वक्त कुदरत ने कहर बरपा दिया। प्याज में तो ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट एकदम स्लो हो गया है, उसके वजह से हम अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, और जो साधारण आदमी रहता है उसके पास तो खर्चे के लिए भी पैसा नहीं है, करे तो क्या करे। ज्ञानेश्वर जैसे हजारों किसान हैं जो अब कुदरत की मार के आगे खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। उन्हें सरकार या बीमा कंपनियों का भी कोई भरोसा नहीं है। इन किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन इनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? महाराष्ट्र में इंतखाबी नतीजे आए 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शिवसेना बीजेपी में अभी जोर आजमाइश चल रही है। नई सरकार कब बनेगी किसी को नहीं पता। ऐसे में किसानों की मदद के लिए आगे क्या फैसला होगा, ये नई सरकार बनने के बाद ही तय होगा। प्याज की खेती करने वाले हजारों किसान परेशान हैं, तो वहीं आवाम का जायका प्याज ने बिगाड़ रखा है। हालांकि सरकार ने गैर ममालिक से प्याज मंगाने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन उसके आने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक थाली से प्याज को कम करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।